अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटी कैंसरस ड्रग, जो हमारी ऐसी कौन सी ड्रग है जो एंटी ट्यूमर या फिर एंटी कैंसर में काम करती है, मतलब कैंसर को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारी इसमें दो ड्रग है, पहली है हमारी विनिका और दूसरी हमारी है पोडोफाइलम। ठीक है, दो ड्रग है इसमें, तो हम डिस्कस करेंगे पहले विनिका के बारे में। अगर विनिका की बात करें तो विनिका का जो सिनोनिम्स है वो हमारा है कैथरंथस है, या फिर पेरीविंकल भी बोलते हैं, या फिर कैथरंथस भी बोलते हैं इसके सिनोनिम्स में। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है होल प्लांट ऑफ कैथरंथस रोजियस। ठीक है, इसका क्या है, कैथरंथस रोजियस इसका बोटेनिकल नेम है। अगर फैमिली की बात करें तो एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा विनिका प्लांट। अगर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, साउथ एशिया में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, यूएसए रीजन में मिलता है, एंड यूरोप में भी मिलता है। अगर हम फाइटोकेमिकल्स की बात करें, केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें, तो कौन से केमिकल हैं इसमें, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दो केमिकल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। जो विनिका की एंटी कैंसर एक्टिविटी है वो आती है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन की वजह से। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आपका है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। इसके अलावा एजमेलिसिन होता है इसमें, एजमेलिसिन, ठीक है, सर्पेंटीन या फिर सर्पेंटाइन कुछ भी बोल सकते हो आप। उसके बाद आपका होता है टेट्राहाइड्रोएलास्टोनिन होता है। अब हम बात करेंगे यूजेस की, तो जैसा कि आपको बताया मैंने, हम पढ़ रहे हैं एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर, तो दोनों ड्रग के जो एक्शन होंगे यूजेस होंगे आपको एंटी कैंसर लिखना है। तो पहला आपका हो गया एंटी कैंसर एंड एंटी हाइपरटेंसिव। देखो, या फिर आप लिखिए एंटी हाइपरटेंसिव या फिर लिख दीजिए हाइपोटेंसिव, दोनों चीजें वही है। एंटी हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो आपका हाइपरटेंशन है, बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में काम करेगी ये दवा, तो उसका मतलब होता है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट में काम करने वाला, ठीक है। इम्यून सप्रेसेंट, ये सप्रेसेंट का एरो लगा हुआ है, अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपकी एलिवेट हो रही है, एक्साइट हो रही है, तो उसको सप्रेस करेगा। उसके अलावा इसका एंटी डायबिटिक एक्शन है, डायबिटीज में भी इसको दिया जा सकता है। सेकेंड ड्रग हमारे पास है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम की बात करें सिनोनिम्स की, इंडियन पोडोफाइलम बोलते हैं, इंडियन पोडोफाइलम। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसका है ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम रॉयल। ठीक है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम रॉयल इसका बोटेनिकल नेम है, क्लियर। राइजोम पार्ट यूज होता है इसका, ठीक है। अगर हम फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है बर्बिडेसी इसकी फैमिली है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, लेह रीजन काश्मीर एंड सिक्किम एंड एच स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश में मिलता है आपको। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइटोकेमिकल्स की बात करें तो इसमें क्या है, पोडोफाइलिन सबसे मेजर सबसे क्रूशियल इसका फाइटोकेमिकल है। नियरली 7-15% मिलता है, 7-15% आपको मिलता है यहाँ से। कुछ ट्रेसेस रेजिंस के मिलते हैं। इसके अलावा आपको अल्फा एंड बीटा पेल्टाटिन्स अल्फा एंड बीटा पेल्टाटिन्स आपको मिलेगा। क्वेरसेटिन भी मिलता है इसमें, ठीक है, क्वेरसेटिन मिलता है। इसके अलावा आपको मिलेगा कैम्फेरॉल एंड क्वेरसेटिन भी आपका पोडोफाइलम में प्रेजेंट होता है। अगर इसके यूजेस की बात करें हम, ठीक है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात करें तो इसमें एंटी कैंसर जैसा कि आपको बताया मैंने, ठीक है, परगेटिव आपको कब्ज से राहत दिलाएगा, बिटर टॉनिक मतलब होता है कड़वा, जो पोडोफाइलम का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, कड़वे होने की वजह से थोड़ा सा एपेटाइजर भी होती है, इसके खाने से आपको थोड़ा सा भूख भी लगेगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी।